सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की बाल मिठाई के साथ अल्मोड़ा की पटाल बाजारें भी काफ़ी मशहूर हैं। देखा जाए तो यहाँ देश विदेशों से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा की बाज़ार में और अल्मोड़ा की बाज़ार के जो पुराने मकान हैं वो आज भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो पुराने जो मकान हैं उनमें किन तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं और इन आकृतियों का क्या महत्व है। सर, पहले तो आप ये बताइए, जो पुराने जो मकान आज भी देखने को मिलते हैं इनका क्या महत्व है और इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो मकान है इस समय लगभग 200 से 300 वर्ष पूर्व पुराने मकान हैं और मैं जो कलाकारी है वो पूरी तरह से हस्तशिल्प है, हाथ से की गई है। और ये कहा जाता है कि ये कल्चर जो है नेपाल से आया था और इसमें जो फूल वगैरह बने हुए हैं, कलाकृतियाँ बनी हैं, उसमें ज़्यादातर जो फोरफादर्स हमारे थे उनकी फ़ोटो हैं, क्योंकि उस समय कोई फोटोग्राफ होता नहीं था तो हाथ से ही उस समय फ़ोटो उनकी बना दी जाती थी उनकी स्मृति में। और दूसरा भैरव है, गणेश है, इस तरह से हनुमान जी हैं, उनकी भी कलाकृतियाँ इसमें दी गई हैं। तो पहले के जिस दौर में जब बनाया गया था तो इस दौर में अभी कोई बनाता है इनको या नहीं बनाता है? नहीं, ये ऐसा अब तो ये कला लगभग आधुनिकता के साथ समाप्त तो हो चुकी है, कोई इसे अब संभव नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि अभी भी अस्कोट में कुछ परिवार ऐसे हैं नेपाल से लगे हुए इलाके में जहाँ इस तरह की कारीगरी करते हैं। कुछ ऐसे कारीगर हैं लेकिन उन्हें ढूंढने का विषय है, यहाँ तो ये उपलब्ध नहीं है। अच्छा, जैसे इसमें कलाकृति आपके वहाँ देखने को मिली है, दो चार जो भवन बचे हैं जो आप लोगों ने संरक्षित करके रखे, नहीं तो आजकल लोग लेंटर के मकान बना रहे हैं, इनको संरक्षित नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या? नहीं, देखिए, ये जो मकान है ये एक तो पर्यावरण के पूरे सहायक होते हैं। सबसे बड़ी इसमें जो पटाले लगी हुई है वो पानी को एक तरह से नमी भी रखती हैं अंदर और दूसरा पानी को फेंकती भी है बाहर। सबसे बड़ी बात यह है, तो सबसे बड़ी बात यही थी जो हमारा पानी का एक तरह से हम कहते हैं कि विसर्जन हम करते थे, पानी को जो करते थे वो भी अब एक तरह से ये इकोलॉजी के पक्ष में ये चीज़ें थी। लेकिन हम धीरे धीरे आधुनिकता ने इनको समाप्त कर दिया थोड़ा। यहाँ के जो बंदर हैं उन्होंने भी यहाँ की पटालों को सब छतों की ख़राब कर दिया, तो मजबूरी है आदमी के पास। और दूसरा यह है कि इसके रखरखाव में हमें खर्च बहुत करना पड़ता है। वार्षिक रूप से अगर हम इसमें तेल वगैरह लगाएं तो 10-15 हज़ार रुपया लगभग साल का इसमें लगता है और बिना मेंटेनेंस के ये रह नहीं सकता। इसीलिए ज़्यादातर आप देख रहे होंगे अल्मोड़ा में तो लगभग पुराने मकान अब समाप्त होने के कगार में है। उसका कारण यही है कि आदमी इतना खर्चा उठा नहीं सकता। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अल्मोड़ा शहर में काफ़ी पर्यटक आते हैं, इनकी लोग फ़ोटो भी खींचते हैं, लोग इनको देखते भी हैं, काफ़ी लोग पूछते भी हैं, उसके बारे में? यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ के कार्विंग के कार्य के बारे में काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि जानने के बारे में किस प्रकार का कार्य यहाँ पर हुआ है। इसके लिए विशेषकर जैसे लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज ऑफ कलकत्ता और जे आर्ट्स कॉलेज बॉम्बे, ये कई बार टीमें आई हैं और इत्तेफाक की बात है मैं उन लोगों से मिला हूँ क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट भी रहा है, तो उन्होंने भी पूछा मुझसे, मैंने उनको इसके बारे में समझाया कि कार्विंग का काम ये होती है, यहाँ पर एक तुन है, तुन की जो लकड़ी होती है उसकी बहुत लंबी उम्र होती है, उस पर यह कार्य किया गया है और पूरा मैथमेटिकली इसको अगर कहीं से भी नाप कर देखा जाए इसमें कहीं से कोई आपको जरा से भी ऊंचाई नहीं मिलेगी। इसको आप करीब से देखें, हर डिज़ाइन एक डिज़ाइन से ऐसे मैच करता है, इसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो इस चीज़ की खूबसूरती को जानने के लिए, हालांकि अभी यह कार्य कलकत्ता में एक जीवित है, अभी अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो वहाँ के लोग इस प्रकार के कार्विंग का काम करते हैं, लेकिन आधुनिक का इतना हो चुका है कि उसमें ज़्यादातर मशीनों का सहारा लिया जाता है, मशीनों का सहारे से काम किया जाता है। पहले अभी जब भी इससे पहले अभी शाहजी ने बताया था कि वहाँ यहाँ पर पूरा हाथ से ये कार्य किया गया, महीनों लगे होंगे, सब कुछ मैं सोचता हूँ महीनों से साल से भी ऊपर लगे होंगे, लेकिन शौकीन लोग थे हमारे बुजुर्ग लोग, जितने भी थे सब शौकीन लोग थे, वो चाहते थे कि ईश्वर की कृपा भी बनी रहे। हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ जिनकी द्वारा ये विरासत मिली है सबको, उनकी भी स्मृति हमेशा उनको देखकर हमेशा हमेशा बनी रही, ये समझ करके ये कार्य किए होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं मैंने आपको बता दिया, मुख्य जो लोग बताए, इसके अलावा जो एक जनरल टूरिस्ट भी कोई आते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोग जो आते हैं बिना कैमरे से इसकी फ़ोटो लिए कहीं नहीं जाते। और सबसे विशेष की बात है इसी जगह पर इतना मतलब
बढ़िया काट किया गया है जो आज तक यहाँ के लोगों ने इसको जीवित रखा है। ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, उनका यही कहना है कि इन कलाकृतियों और इनकी काष्ठकला को देखने के लिए लोग देश विदेशों से आते हैं, साथ ही स्थानीय पर्यटक भी यहाँ काफ़ी पहुँचते हैं। पर देखा जाए आधुनिक दौर के इस युग में लोग इन कलाकृतियों को बनाना कम कर रहे हैं और कुछ ही लोग बचे हैं जो इनको बना रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।